सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको एक नया एपीएन सेटिंग बताने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए वीडियो को देखने के लिए और वीडियो को देखते रहे एंड तक। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। सो दोस्तों, सबसे पहले आपको जाना है अपने सेटिंग में और उसके बाद आपको डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क का ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर सिम कार्ड मैनेजर बोल के भी एक ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है। तो अपना फोन में देख लीजिए, उसके बाद आपको जियो सिम चूज कर लेना है, सिम वन में लगा हुआ है या फिर सिम टू में लीजिए। उसके बाद यहाँ पर चूज करने के बाद यहाँ पर आप एक एक्सेस पॉइंट नेम बोल के एक ऑप्शन दिया जाता है जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है APN। तो इसमें आपको क्लिक करना है, यहाँ पर टच करना है, ठीक है, एक्सेस पॉइंट नेम में। और उसके बाद यहाँ पर एक बार रिजल्ट मार देना सबसे नीचे वाले में ऑप्शन में, रिजल्ट करके 2 सेकंड के यहाँ पर टाइम लिया जाता है। उसके बाद ये रिस्टोरिंग जो है हो जाता है। और ऊपर में आप प्लस का ऑप्शन देख सकते हो, ऊपर में यहाँ पर नीचे भी हो सकता है, ठीक है, आपके फोन में। सो दोस्तों, उसके बाद इस तरह का फॉर्म जो है फिलअप करना पड़ता है। तो सबसे पहले आता है नेम। नेम में यहाँ पर आप लोगों को लिखना है जियो स्पेस रैक्स REX, उसके बाद स्पेस देके 88, जियो रैक्स 88, ये लिख के सेव कर दीजिए। उसके बाद आता है APN। सो दोस्तों, APN में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है जियो, यहाँ पर लिखना है जियो और जो कि जे कैपिटल होगा। उसके बाद यहाँ पर सटाक लिखना है इंटरनेट, जो कि आई कैपिटल होगा। उसके बाद इसको भी कर देना है यहाँ पर सेव, ठीक है दोस्तों, जियो इंटरनेट इसको भी कर देना है आपको सेव। सो दोस्तों, उसके बाद आ जाता है प्रॉक्सी, प्रॉक्सी को नॉट सेट रहने दे। उसके बाद आता है पोर्ट, पोर्ट को भी नॉट सेट रहने दे। उसके बाद आता है दोस्तों, उसके बाद आता है यूज़र नेम। यूज़र नेम में यहाँ पर आप लोगों को लिखना है जियो, जो कि जे कैपिटल होगा। उसके बाद यहाँ पर लिखना है सटाके 88, ठीक है। उसके बाद इसको भी कर देना सेव। तो ये करने के बाद आ जाता है पासवर्ड, पासवर्ड को नॉट सेट रहने दे। उसके बाद आता है सर्वर, तो यहाँ पर सर्वर में आप लोगों को लिखना है www. जो कि जी कैपिटल होगा, ठीक है, जी कैपिटल होगा। उसके बाद लिखना है google.com, www.google.com, ठीक है। ये लिखने के बाद इसको भी कर देना है आप लोगों को सेव। सो दोस्तों, ये करने के बाद आप लोगों को आ जाता है MMSC, MMS प्रोक्सी और MMS पोर्ट। ये तीनों को आपको नॉट सेट ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है MSCC और MNC। ये आपका एरिया कोड है जिससे आप छेड़छाड़ ना करें, वरना आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है और भी स्लो हो जाएगा। सो उसके बाद आता है ऑथेंटिकेशन टाइप, इसे भी आपको नॉट सेट ही रहने देना है। उसके बाद आता है APN टाइप, इसे भी आपको नॉट सेट ही रहने देना है। उसके बाद आ जाता है APN प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर करना है, यहाँ पर आपको एक बार टच करना है, ठीक है, APN प्रोटोकॉल में। और ये अगर आपके फ़ोन में IPv4 या फिर IPv6 है तो आपको सबसे नीचे वाले में IPv4/IPv6 में कर देना है, सबसे नीचे वाले में, ठीक है। सो और ये करने के बाद आपको आता है APN रोमिंग प्रोटोकॉल। सो इसमें भी आपके फ़ोन में अगर IPv4 या फिर IPv6 है तो आपको सबसे नीचे वाले में IPv4/IPv6 में कर देना है, सबसे नीचे वाले में। उसके बाद है इंपॉर्टेंट सेटिंग बेयरर, जो कि APN का इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है। तो इसमें आपको एक बार टच करना है और टच करने के बाद अनस्पेसिफाइड को अनटिक करके LTE पर क्लिक कर दीजिए अगर, ठीक है, और LTE पर कलेक्ट करके यहाँ पर करके छोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऊपर में जाकर सेव कर दीजिए, हो सकता है आपका नीचे ही सेव का ऑप्शन दिया हो सकता है, ठीक है। तो इसे सेव कर लीजिए, उसके बाद एक बार जियो रैक्स 88 में एक बार टच कर दीजिए, तो बस आपका है जो इंटरनेट स्पीड है वो बेहतर हो जाएगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो इंपॉर्टेंट, नॉलेजफुल और हेल्पफुल रहा होगा। सो अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर करिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।